इनका बस नहीं चला कि कैसे हमको रोके, क्योंकि हम लोग एक चलती आंधी हैं और जनता के द्वारा दी हुई ताकत से हम चलते हैं। उस आंधी को रोकने का इन्होंने प्रयास किया है। जब रोक नहीं सके तो खिसियानी बिल्ली क्या करे तो खंबा नोचे। ये खंबा नोचने की कोशिश किया है। इस देश में लोकतंत्र और संविधान अभी बहाल है और न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। जैसे हमेशा इंसाफ मिला, इसमें भी इंसाफ मिलेगा और इनके मुंह पर कालिक पोती जाएगी। अरे साहब, हम ब्रिगेडियर उस्मान के पोते भी हैं और हम जमींदार भी हैं। हमारे घर में तब से असलहे हैं जब अंग्रेजों से हम लड़ाई लड़ते थे। हमारे घर में 1217 संग्राम सेनानी हैं। इसलिए, और रही बात शूटिंग की, तो जितने भी मेरे असलहे थे या हैं, वो सब मेरे अपनी निजी प्रॉपर्टी है और उस निजी प्रॉपर्टी को सरकार ने कब्जा करने की कोशिश की है। केस मुकदमा अभी न्यायपालिका में चल रहा है, विचाराधीन है। इसलिए इस पर कुछ आंध्रा के विधायक, उनका भी आपने वीडियो देखा होगा, कह रहे थे यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना वरना बुलडोजर चढ़ा देंगे। तो ये जनता तैयार बैठी है लोकतंत्र की में संविधानिक कुर्सी पर बैठकर। अगर कोई संविधान को तार तार करने की कोशिश करेगा तो जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और दे रही है। 5 चरण का चुनाव हो गया। नमस्कार, मैं हूं फरीद, आप देख रहे हैं हैशटैग भारत का खास प्रोग्राम रेस 22। रेस 22 की टीम आज पहुंची है मऊ और हमारे साथ हैं विरासत की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी, उनका इससे पहले एक और परिचय है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट गन शूटर हैं, जहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। अब हम पूछेंगे कि गोल्ड मेडल आपने वहां पे हासिल कर लिया था शूटिंग में। सबसे पहली बात तो जनाब, आपने जो विरासत की बात की, तो विरासत राजनीति में नहीं चलती है मेरे दोस्त जी। अगर विरासत चलती होती तो राहुल गांधी जी कब का देश के प्रधानमंत्री बन गए होते। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था तो उन्होंने ये बात सिद्ध कर दिया था कि अब बाप माँ बाप के पेट से नहीं, माँ बाप के पेट से नहीं, जनता के दिए वोट से नेता पैदा होता है। और रही बात जनता की, तो जनता हमारे साथ है। और विरासत की बात करने वाले, आप जरा ये सवाल क्यों नहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से पूछते हैं, कल्याण सिंह जी के बेटे से क्यों नहीं पूछते हैं, अमित शाह जी से क्यों नहीं पूछते हैं कि क्या ऐसा क्रिकेट में उन्होंने छक्का चौका मारा था उनके सुपुत्र ने कि आज BCCI के अध्यक्ष बने बैठे हैं। तो इसलिए जो सवाल उठाते हैं उस सवाल के आगे और पीछे थोड़ा गौर कर लीजिए, फिर सवाल उठाइए। अब्बास जी, अब आपकी स्टेटमेंट पर हम बात करते हैं। मुख्तार अंसारी जी का ये गढ़ कहा जाता है, 30 सालों से यहाँ से चुनाव लगातार जीते आ रहे हैं, तो क्या आपको आपके वालिद के रुतबे का, जो यहाँ पर उन्होंने जो काम किया है जैसे जीतने के बाद, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसी चीज़ों को आगे आप नहीं बढ़ाएंगे? किसने क्या फिर से ज़रा? मैं कह रहा हूँ कि आपके वालिद यहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं, यहाँ के लोगों का, आप जैसे आप बार बार कहते हैं प्यार मिल रहा है, तो वो जो लोगों का प्यार आपके वालिद को मिलता था वो अब आपको नहीं मिलेगा, तो उन्हीं चीज़ों को जो आम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ, पिछले 10 सालों से मैं इस मऊ में हूँ, 2012 से आज 2022 आ गया है, और 10 सालों से आवाम के बीच में उनकी खिदमत कर रहा हूँ। जहाँ जो ज़रूरत होती है उसको करते हैं। हाँ, पिछले 5 सालों से जो विकास कार्य मऊ में होने चाहिए थे वो रोके गए। जैसे मैं आज सरवा की सरजमी पर खड़ा हूँ, पिछले 5 साल में 3 बार एक यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, नाले की समस्या है, पानी भर जाता है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है, और वो इतना बड़ा समस्या है कि वो विधायक निधि से पूरी होने वाली समस्या नहीं है। उसमें करीब करीब 150 मीटर नाले को ले जा करके एक पोखरे में जोड़ना है। वो जब तक कि सत्ता और सरकार में बैठे लोग गरीबों की इन परेशानी को नहीं समझेंगे और बड़ा बजट नहीं अलाट करेंगे, वो काम नहीं हो सकता। और पिछले 5 सालों में मऊ के साथ क्या पूरे प्रदेश में वैसे कहीं काम नहीं किया गया, मगर हाँ, उसमें भी मऊ के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। और जब सौतेला व्यवहार किया गया है तो यहाँ की सड़कों की जर्जर हालत है, यहाँ के स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हुए हैं पिछले 3 सालों से, जिसमें अब छोटा पशु अपना घर बनाए हुए हैं। तो आज यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि कोरोना काल में पूरे प्रदेश में बड़ा बुरा हाल रहा। हमारे वालिद साहब ने यहाँ पर पोर्टेबल वेंटिलेटर्स भेजे, मगर उसको भी यहाँ आने की अनुमति नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें जो पिछले 5 सालों में सत्ता और सरकार ने इस क्षेत्र को पीछे ले जाने का काम किया है। सबसे पहले चुनाव परिणाम आने के बाद, सरकार बनने के बाद,
इस जगह की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो मूल समस्याएं हैं, जो ऊपर से बड़ी होकर नहीं दिखती है मगर गांव में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। अब्बास जी, हमने क्षेत्र में आपका मऊ है, बुनकरों के लिए जाना जाता है, उनसे भी बात किया, उनके भी अपने बड़े मसाइल हैं। एक तो उनकी आमदनी काफ़ी कम हो गई, दूसरा आप ही के अभी कुछ साथी मिले हमको जो लखनऊ में भी मिलते हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे थे, उनको रोज़गार नहीं मिला, धरने प्रदर्शन में इनको लाठियाँ मिली, इनके लिए क्या काम? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे मऊ में बुनकरों का क्षेत्र, आपने सही कहा, और मऊ के बुनकरों की क्या, पूरे प्रदेश के बुनकरों की एक ही हाल है कि पहले इनको फ्लैट रेट पे बिजली मिला करती थी, आज फ्लैट रेट का बिजली का सिस्टम ख़त्म कर दिया है, पासबुक से जो मिलती थी उसकी वजह से इनको बड़ा नुकसान हो रहा है, मतलब भुखमरी की हालत आ गई है, और उस पर से सरकार और सत्ता के लोग ज़बरदस्ती बिजली के बिल इतनी ज़्यादा ज़्यादा भेज दे रहे हैं कि गरीब आदमी अपना लूम बेचने को मजबूर हो गया है। मगर आज परिस्थिति ये हो गई है कि अगर लूम बेच देगा तो खाएगा क्या, तो उस पर काम करना, और वैसे भी हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद मैनिफेस्टो को ठीक करने का काम करेंगे, और उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं जिनको ठीक किया जाएगा। अब्बास जी, अगर आपके ताल्लुक से बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शूटर होने के नाते आपको असलहे रखने की इजाज़त है, मगर उसके बाद भी आप पर आरोप लगा कि आप गैर कानूनी तरीके से असलहे रखते हैं, और उसके बाद कई असलहे आपके जब्त भी हुए, तो ये जो पूरा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि आपको असलहे रखने की इजाज़त है, मगर उसके उसको इस तरीके से जोड़ते हैं कि आप मुख्तार अंसारी के बेटे हैं तो आप असलहों के शौकीन हैं। अरे साहब, हम ब्रिगेडियर उस्मान के पोते भी हैं और हम जमींदार भी हैं, हमारे घर में तब से असलहे हैं जब अंग्रेज़ों से हम लड़ाई लड़ते थे, हमारे घर में 1217 संग्राम सेनानी हैं, इसलिए। और रही बात शूटिंग की, तो जितने भी मेरे असलहे थे या हैं वो सब मेरे अपनी निजी प्रॉपर्टी है, और उस निजी प्रॉपर्टी को सरकार ने कब्जा करने की कोशिश की है, केस मुकदमा अभी न्यायपालिका में चल रहा है, विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इतना ज़रूर कहूंगा कि अगर उसमें एक सेंटीमीटर मिलीमीटर बराबर में मैं गलत होता ना, तो यहाँ खड़ा ना होता। इनका बस नहीं चला कि कैसे हमको रोके, क्योंकि हम लोग एक चलती आंधी हैं और जनता के द्वारा दी हुई ताकत से हम चलते हैं, उस आंधी को रोकने का इन्होंने प्रयास किया है, जब रोक नहीं सके तो खिसियानी बिल्ली क्या करे तो खंबा नोचे, ये खंबा नोचने की कोशिश किया है। इस देश में लोकतंत्र और संविधान अभी बहाल है, और न्यायपालिका पे हमें भरोसा है, जैसे हमेशा इंसाफ मिला इसमें भी इंसाफ मिलेगा, और इनके मुंह पर कालिक पोती जाएगी। इस चुनाव में बुलडोज़र बहुत चर्चा में है, आपकी कई प्रॉपर्टीज़ पे जो लखनऊ में हम लोगों ने कवर भी किया, वहाँ बुलडोज़र चला, मेट्रो सिटी में आपके फ्लैट पे सीज़ भी किया गया, और मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि बुलडोज़र की सर्विसिंग हो रही, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बड़ी शर्म की बात है कि प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया का आज ये हाल है कि जनता ने नकार दिया है, तो जनता को बुलडोज़र से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं मंच से कि जो वोट नहीं करेगा उसको हम बुलडोज़र चढ़ा देंगे। एक राजा साहब हैं आंध्रा के विधायक, उनका भी आपने वीडियो देखा होगा, कह रहे थे यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है वरना बुलडोज़र चढ़ा देंगे। तो ये जनता तैयार बैठी है लोकतंत्र की में संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर अगर कोई संविधान को तार तार करने की कोशिश करेगा तो जनता उसका मुँह तोड़ जवाब देगी, और दे रही है। 5 चरण का चुनाव हो गया है। कहाँ देख रहे हैं 5 चरण में आप? 5 चरण का चुनाव हो गया है और सरकार बन चुकी है, 5 चरणों में ही डिसाइड हो गया, सरकार बन चुकी है, अब इसके आगे की जो जीत होगी ये और आगे लेके जाएगी। एक सवाल और लेते हैं कि 2018 में लगभग एक जो जहर दिया गया था माता पिता को, उस तरह पे उस पर भी चाहते हैं कि लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में ही बताएं। देखिए, जिनको जानना है वो जानते हैं, और ये इनके अंदर हिम्मत तो है नहीं सामने से लड़ें, तो ये जहर ही दे सकते हैं, मुकदमा लगा सकते हैं, मगर एक कहावत है ना, जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई, और हम तो उस परवरदिगार को मानने वालों में से, मौत तो एक ही बार आनी और सबकी आनी है, कोई अमर थोड़ी है इस ज़मीन पर, कोई अमर नहीं है, और जब तक मौत लिखी नहीं है तब तक ज़िंदगी की हिफाजत मौत खुद करती है, इंशाल्लाह जब तक नहीं लिखी है ये बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, लोगों की दुआएं और आशीर्वाद साथ है। आप पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, कई मेरे ख्याल से 5 मुकदमे ऐसे हैं, तो उन मुकदमों को लेकर क्या कहेंगे, क्या ये बाधा बनेगी आपकी जीत में? कुछ नहीं यार, ये सब राजनीतिक मुकदमे हैं,
पहला मुकदमा 2019 में लगा मेरे ऊपर, जब लोकसभा से बगल में बनारस और बगल में गोरखपुर के बीच में दो सीट आती है, गाजीपुर और मऊ घोसी, दोनों सीट से जब मुंह पर कालिक पोत दिया और हम ही प्रभारी थे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त नहीं हुआ तो खिसियानी बिल्ली ने फिर खम्बा नोचना शुरू किया, मुकदमे लगाने शुरू किए। पहला मुकदमा 2019 में लगाया था, आखिरी मुकदमा अभी 4 दिन पहले लगाया है और अभी तो 7 तारीख तक में 10-12-15 मुकदमे और लगा देंगे आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता भी जानती है, समझती है, हमारे मुकदमों पे सवाल उठाने वालों से ये पूछिए, बृजेश सिंह संत हैं। बृजेश सिंह देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में अपने गृह जनपद में पिछले 7 सालों से बैठे हैं, सरकार के समर्थन से MLC बना दिए जाते हैं। उनके भतीजे सुशील सिंह को सत्ता अपने सिंबल से चुनाव लड़ा करके 40 से ज़्यादा मुकदमे हैं, उनको विधायक बना रही है, कोशिश कर रही है। बृजेश सिंह दाऊद इब्राहिम के फाइली हैं। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन का दोस्त योगी बाबा का दोस्त कैसे हो सकता है? क्या खिचड़ी कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है आपको? ये लोग सिर्फ ढोंग करते हैं, ये लोग अपराध का ढोंग करते हैं। आप बताइए कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का थे? आप इनके विधायकों की लिस्ट उठाइएगा तो 403 में से 27 विधायक, 27% विधायक, मगर जो है अगर 27% विधायक जो हैं वो घंघोर आपराधिक मुकदमों से घिरे हुए हैं। यही मऊ से जिनको टिकट दिया गया उन पे पता है कौन सा मुकदमा है? नहीं मालूम, महिला उत्पीड़न का। ये महिलाओं की इज्जत तार तार करने वाले, जनता इनके मुंह पर कालिक पोतने को तैयार बैठी। मगर आपके जो विपक्ष वाले हैं वो बार बार मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये तमाम नेताओं की मिसाल देते हैं कि और बुलडोजर चलाने। मैंने आपसे ही तो कहा कि धनंजय सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह ये कौन है? बृजेश सिंह कौन है? संत हैं, या तो पदवी दे दें संत की, कल मंच से खड़े हों और संत ही कह दें तो कम से कम हम लोग को कन्फ्यूजन तो ना रहे कि अब वो लोग संत हो गए। और अगर नहीं है तो सारे नेताओं ने कहा, अखिलेश जी ने कहा, सबने कहा, 3-3 घंटा जेल में जाके बैठते हैं उनके साथ मुख्यमंत्री महोदय। अच्छा, मुख्तार अंसारी जेल में रहते हैं, उसके बाद भी चुनाव जीतते रहते हैं, क्या कारण है इसका? मोहब्बत, खिदमत खल्क के जज्बे से लोगों के बीच में रहते हैं, जनता साथ है, आशीर्वाद है। और जब भी गरीब, मजलूम, बेसहारा, माँ बहन, बड़ा बुजुर्ग, नौजवान, किसान, बुनकर, किसी के भी ऊपर कोई आँच डालने की कोशिश करता है तो उसके सामने ढाल बने बनकर खड़े होने की कोशिश करते हैं और हमेशा खड़े रहे, इसलिए जनता साथ है। अंतिम पहला चुनाव थोड़ी है, हम हर चुनाव में सत्ता के विरुद्ध ही लड़े हैं और हर चुनाव में सत्ता के विरुद्ध, सत्ता के मुंह पर कालिक पोत कर जनता ने अपना आशीर्वाद दे करके अपनी आवाज बनाकर प्रदेश की पंचायत में भेजा है। अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं आपसे, अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी अपने मऊ के लिए, इस विधानसभा के लिए, और इसके अलावा क्षेत्र वालों से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो 5 साल पीछे गया है मऊ, उसको वापस पहले लाएं अपनी जगह पर, बच्चों के स्कूल कॉलेज खोले जाएं, बेचारे 3 साल से स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं। नौजवान साथी, क्लास तो बढ़ जा रहा है, 10th वाले बच्चे आज 12th में पहुंच गए हैं, 12th पार हो गए हैं, एग्ज़ाम की फ़ीस जा रही है, ना स्कूल में टीचर आते हैं, ना कोई फैसिलिटी है, ना स्कूल खुल रहा है, फिर भी बच्चों की एग्ज़ाम की फ़ीस जमा हो रही है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा हो रही है, 3 साल से स्कूल बंद है, छुट्टा पशु स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे बेचारे चट्टी चौराहे पर, इनका दिया हुआ उज्ज्वला योजना का सिलेंडर जो आज किसी के काम का नहीं रह गया क्योंकि 400 रुपये से 1000 रुपये का हो गया, तो सिलेंडर ढंगला रहे हैं, तो उनको वापस अपनी जगहों पर लाना है। ठीक, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब्बास अंसारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये मऊ की जनता का, उनके परिवार को प्यार मिलता आ रहा है, जिसकी वजह से ये लगातार जीत रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम जीत कर आते हैं तो मऊ को एक बार फिर से विकास की पटरी पर लेकर वापस आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मानस मेहरोत्रा के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ मऊ।